यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी। अपना पूरा नाम क्या है? मुकेश यादव नाम है सर। मुकेश यादव, और कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर से हो जी सर। और आप यहाँ खैरथल मंडी में कितने टाइम से प्याज खरीद रहे हो? 2 साल से। अच्छा, पिछले साल भी आए थे? पिछले साल भी आए थे। पिछले साल मैं भी यहाँ पे वीडियो बनाई थी, पर मैंने तो देखा नहीं सर। जी जी जी। तो यहाँ से कितनी लोडिंग करते हो, कितनी गाड़ियाँ एक दिन में? 5-7 गाड़ी भरते हैं। अच्छा, 5-4 गाड़ी। कहाँ माल भेजते हो? ये पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। अच्छा अच्छा। बिहार, यूपी जाता है। अच्छा, सभी जगह जाता है। सभी जगह भेज देते हो जी। तो जो अपना खैरथल का प्याज है जी, वो आपको कैसी कंडीशन का लग रहा है अभी फिलहाल? सुधरा है या माल खराब आ रहा है? माल में खेतल के हिसाब से सुधरा हुआ ही है कंडीशन। अब ज़्यादा अगर इसको स्टॉक करेंगे अच्छा, तो ये धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। नहीं, अभी मतलब कि क्वालिटी वाला प्याज जो बाहर है, लंबी दूरी का आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, अभी लंबी लोडिंग के लायक आ रहा है जी। तो अभी जैसे किसानों को इतना इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, जैसे भाव है वो 5-7 दिन से डाउन हो गए, तो उसका रीजन, मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन MP महाराष्ट्र की आमदनी, सब जगह की आमदनी के कारण जो स्टॉक पड़े हुए थे पुराने प्याज के, बिल्कुल बिल्कुल, पुराने प्याज के स्टॉक के चक्कर से ज़्यादा आमदनी हो गई, ठंडी चाल हो गई पुराने प्याज वालों को, अब उसको निकालना ही निकालना। बिल्कुल। तो अभी माल का प्रेशर हो गया, एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी जाके लगेगी। बिल्कुल। तो और ये किसानों का स्टॉक होगा मेरे हिसाब से, व्यापारियों का भी स्टॉक है, कुछ व्यापारियों का भी स्टॉक है, क्योंकि सभी का मिला के स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में मतलब अंदाजा ही नहीं है कि कितना, कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता स्टॉक के बारे में, या किसान के पास रुका हो उसके प्याज के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो कितने दिन और चलेगा ये उम्मीद है? थोड़ा सा ये है, 10-15 दिन की उम्मीद है, अभी 10-15 दिन और चलेगा। अगर ये स्टॉक ना होता तो मेरे हिसाब से किसानों को इसका अच्छा फायदा बेनिफिट मिलता, 25-30 रुपए से प्लस प्याज बिकती। बिल्कुल। अगर स्टॉक नहीं होता तो 25-30 रुपए से प्लस प्याज बिकती। तो अभी उम्मीद है कि मान लो अगर 10-15 दिन बाद कुछ भाव में सुधार हो, 15 दिन के बाद में उम्मीद है, लेकिन 10-15 दिन अगर ये माल को रोकेंगे किसान तो इसमें वापस क्रॉप चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छी कंडीशन का अगर हो तो उसको थोड़ा रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9680233901। कोई आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे मान लो माल के लिए, अब मेरे पास भी बहुत कॉल आते हैं बाहर से कि भाई हमें माल चाहिए, तो अब व्यापारी लोग कहते हैं कि यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ये जो आड़ती हो वगैरह होते हैं जी, जी, जी। तो अगर कोई आपसे संपर्क करें तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। चलो जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।